राजस्थान में आर्म्ड फोर्स वेस्टर्न सेलिब्रेशन डे का 8वां सेलिब्रेशन इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से पूर्व सैनिकों को बुलाया गया। सेलिब्रेशन डे पर सिख रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा अनेकों करतब दिखाए गए और राजस्थान का मशहूर कालबेलिया नृत्य पेश कर पूर्व सैनिकों का मनोरंजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का निर्धारित कार्यक्रम था, जो कि अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके। पूर्व सैनिक संघ तहसील अध्यक्ष मान सिंह चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर जिले भर से पूर्व सैनिक सहित वीरांगनाओं और वीर गति को प्राप्त हो चुके शहीदों के बच्चों को भी बुलाया गया। वीरांगनाओं सहित दिव्यांगजनों को मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठी VSM सम्मानित किया, जिसमें 2011 में ड्यूटी पर जाते समय जहर खुरानी का शिकार होने से दिव्यांग हो चुके मुबारकपुर निवासी लखविंदर सिंह को स्कूटी प्रदान की गई और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जातपुर की वीरांगना उमा देवी धर्मपत्नी हीरालाल का सम्मान भी किया गया। हीरालाल 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए। हीरालाल के बेटे ने बताया कि हमारी माता की जी की जीवित प्रमाण पत्र ना लगा पाने के कारण 1996 से पेंशन बंद हो गई है। अनेकों बार पेंशन शुरू करवाने के प्रयास किए गए, लेकिन आज तक भी सुनवाई नहीं हो पाई। इस दौरान सिख रेजिमेंट सहित थल सेना के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।